हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी विद एग्जाम यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि हम वापस आ गए हैं, आपके लिए एक सीरीज चल रही है यहां पर आईबीपीएस एएफओ के रिगार्डिंग। यहां पर आपको रोज क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के लिए वीडियोज आपको रेगुलरली मिल रही है और एग्जाम आपका 9th of November को है, तो आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है। आपके पास 8-9 दिन का टाइम बचा है। इन 8-9 दिन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा जितने ज्यादा हो सके आप मॉक टेस्ट लगाइए, जितने ज्यादा हो सके उनको आप एनालाइज कीजिए। नए टॉपिक से बचकर रहना है और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उन पर फोकस करना है। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी यहाँ पर क्या है, 30 और 31 से अक्टूबर, मतलब ये 2 दिन आपके पास है। अभी इन 2 दिनों में क्या हो रहा है, हमने दिवाली के लिए ऑफर चलाया हुआ है, आपको सभी कोर्स पर फ्लैट 50% का जो आपको ऑफ जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट। मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, वो मैं आपके सामने साथ डिस्कस करूंगा और फिर आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन यहाँ पर मैं देने वाला हूँ, वो आपको समझने हैं, करने हैं और कमेंट सेक्शन में आपको उसका जो है वो आंसर करना है। ठीक है, यहाँ पर आप चीजों को समझना है, आपको यहाँ पर आपको टेक्निक समझनी है, क्वेश्चन को आपको करना कैसे है। चलिए, क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करनी है आपको तो वो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, चाहे वो एग्री बी टारगेट एएफओ हो या फिर हमारा एग्री बी नाबार्ड आईपीएस एएफओ है, यहाँ हमारे ये हमारे दो टेलीग्राम पर चैनल है। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेंगी रेगुलरली, मैं आपको हर वीडियो बताता हूँ, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेंगी क्वांट्स और रीजनिंग की, जहां से अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, ये क्वेश्चन आपके सामने, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो को पॉज कीजिए और उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, जब इसको आप अटेम्प्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ से फिर आप इस वीडियो को आपको कंटिन्यू करना है और फिर मैं आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट पॉज कीजिए वीडियो को, स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए। चलिए, आई होप आपका आंसर सब लोगों का आ गया होगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या किया है हमने। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना होता है, हमें यहाँ पर बोला क्या गया है, हमें यहाँ पर ये बोला गया कि 8 लोग हैं, STUVWXYZ एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं सेंटर को फेस करके, लेकिन ऑर्डर सेम नहीं है। ठीक है, सबका कोई कोई डिपार्टमेंट है, यहाँ पर 8 लोग हैं, इनके 8 डिपार्टमेंट है, फाइन। अब यहां से हमें हिंट्स बनाने स्टार्ट करने हैं। X sits second to the right of person who works in logistic department। जो बंदा लॉजिस्टिक में रहता है उसके सेकंड राइट में एक्स बैठता है, पहला हिंट आपका ये हो गया। ठीक है, फिर द पर्सन हु वर्क्स इन सेल्स इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु वर्क्स इन लॉजिस्टिक। ठीक है, जो सेल्स में काम करता है और जो लॉजिस्टिक में है वो दोनों भाई अगल बगल बैठते हैं, डन। फिर यहां पर बोला गया है 2 persons sit between the person who works in sales and tea। सेल्स और टी के बीच में 2 लोग बैठते हैं, कहीं भी हो सकते हैं मुझे नहीं पता, फाइन। यू एंड डब्ल्यू आर इमीडिएट नेबर्स, यू और डब्ल्यू जो है वो इमीडिएट नेबर्स हैं, फाइन। Neither you nor W immediate neighbor of T or logistic, ठीक है, ना तो U ना तो V sales और logistic के पास में आएंगे। ठीक है, तो इन दोनों के पास में U और W जो है वो नहीं आ सकते, फाइन। उसके बाद the person who works in marketing department sits second to the right of V, V के second right में marketing का बंदा बैठता है, फाइन। V neither work in logistic nor sales, V ना तो भाई लॉजिस्टिक में काम करता ना ही आपका सेल्स में काम करता है, ठीक है जी, डन। उसके बाद वाई एंड द पर्सन वर्क्स इन एचआर आर इमीडिएट नेबर्स, वाई और एचआर जो हैं वो इमीडिएट नेबर्स हैं, फाइन। टी एचआर में काम नहीं करता, इसके साथ जो है वो टी नहीं जाएगा, फाइन। वन पर्सन सिट्स बिटवीन यू एंड द पर्सन वर्क्स इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो यू और प्रोडक्शन के बीच में एक बंदा बैठता है, यू, ठीक है जी, यू। इसके बाद क्या बोला गया, जेड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन हु वर्क्स इन ऑपरेशन डिपार्टमेंट, ऑपरेशन के 1, 2, 3 थर्ड लेफ्ट में जेड है, ऑपरेशन के थर्ड लेफ्ट में जो है वो जेड है, फाइन। चलिए, फिर मेरे को बोला गया है द पर्सन हु वर्क्स इन एडमिन डिपार्टमेंट फिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस के सेकंड लेफ्ट में एडमिन है, ठीक है जी। तो ये हमारे सारे हिंट्स बन गए। अब इसको हमें यहाँ पर ये देखना है कि हमें क्वेश्चन को जो है स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। क्वेश्चन हम वहां से स्टार्ट करते हैं जो चीजें हमें, कोई भी यहाँ से एक चीज को आप फिक्स बना लीजिए और जिसके ज्यादा आपको हिंट दिए गए हो उसको हमें यहाँ पर जो है वो हिंट बनाना होता है। जैसे यहाँ पर मुझे अगर दिखाई दे रहा है तो लॉजिस्टिक वाला पार्ट जो है उसके साथ मुझे एक्स मिल रहा है, उसके साथ मुझे सेल्स मिल रही है, ठीक है, सेल्स के साथ मुझे टी मिल रहा है, तो यहां से मैं 4-5 हिंट्स को एक साथ बना सकता हूँ, ठीक है। सो मेरे जो 8 लोग बनाने हैं, मैंने यहां पर भाई एक सर्कल बनाया, 1, 2,
चार, पांच, छः, सात, आठ। मैंने यहां पर आठ लोग बनाए, ठीक है। अब लॉजिस्टिक के सेकंड राइट में एक्स है, अगर मैं यहां पर लॉजिस्टिक को लेता हूं तो एक्स यहां पर आना चाहिए, राइट, ठीक है जी। लॉजिस्टिक यहां है तो एक्स यहां पर आएगा। फिर सेल्स और लॉजिस्टिक जो है वो अगल बगल में होने चाहिए, ठीक है। या तो सेल्स यहां पर होगा, एक केस में सेल्स या तो यहां होगा, और एक केस में भाई सेल्स कहां पर होना चाहिए, इसके राइट साइड में, राइट, ठीक है। सो दोनों केस आपको बना के चलने हैं, ठीक है। ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, पांच नंबर लेने हैं तो चीजें आराम से करनी होंगी। सेल्स यहां पर आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम, एक्स यहीं पर आएगा, दैट इज, ठीक है। सेल्स और लॉजिस्टिक बराबर हो गए। अब सेल्स के सेकंड राइट में टी है, सेल्स के सेकंड से, सेल्स के दो गैप के बाद टी है, सॉरी, सेल्स के दो गैप के बाद टी है। तो यहां पर दो केस बन सकते हैं, एक दो के बाद टी यहां पर आ सकता है, एक दो के बाद टी यहां पर आ नहीं सकता, ठीक है। सो एक बार तो टी मैं यहां पर लेता हूं, ठीक है। और इस वाले केस में एक दो के बाद टी या तो यहां पर आएगा और एक दो के बाद टी यहां पर आएगा, ठीक है। और मुझे एक चीज और बोली गई थी कि सेल्स और लॉजिस्टिक के पास, ठीक है, आपके यू और डब्ल्यू नहीं आ सकते। अब आप देखो, सेल्स और लॉजिस्टिक के पास टी और डब्ल्यू नहीं आ सकते। सो अगर मैं इस केस में देखता हूं, अगर यहां पर लॉजिस्टिक है, यहां पर सेल्स है, तो ना तो यू यहां पर आएगा, ठीक है, इस वाले केस में यू और डब्ल्यू मेरे यहां पर नहीं आ सकते, ठीक है। और अगर टी यहां पर आता है, ठीक है, तो यू और डब्ल्यू की मेरे पास एक ही जगह बचती है यहां पर, ठीक है, ठीक है। और मुझे एक चीज और बोली गई थी कि टी के पास भी आपके कौन है, देखो टी के पास भी आपके यू और डब्ल्यू नहीं आ सकते, ठीक है। यू और डब्ल्यू आपके, सॉरी, यू और डब्ल्यू के आपके टी और जो लॉजिस्टिक है उसके पास नहीं आ पाएंगे, ठीक है। सो आप देखो, ये लॉजिस्टिक है, मैं यहां पर उसका कलेक्शन करता हूं। अगर ये लॉजिस्टिक है ना, इस केस में, तो यहां पर नहीं आ सकता, यहां पर नहीं आ सकता, और यहां पर नहीं आ सकता। सो इस वाले केस में एक ही जगह बचती है, या तो यू और डब्ल्यू इन दो जगह पर आएंगे, क्योंकि एक्स यहां पर ऑलरेडी है ना। और अगर मैं टी को यहां पर रखता हूं, आप देखो, अगर मैं टी को यहां पर रखता हूं तो यू और डब्ल्यू कहीं पर भी सेम नहीं आ सकते, यू और डब्ल्यू की यहां पर भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इसके बराबर में है, समझ गए। और इस वाले केस में भी आप अगर देखो तो सेल्स अगर यहां पर है, अगर मैं यहां पर टी को रखता हूं इस वाले केस में, केस नंबर वन में, ये केस नंबर वन, ये केस नंबर टू, यहां पर रखता हूं टी को, ठीक है, तो यू डब्ल्यू कहीं पर भी नहीं आ पाएंगे, ठीक है। सो यहां पर जहां से मुझे चीज निकल कर आती है कि ये वाला केस मेरा डिस्कार्ड हो जाएगा और ये वाला केस मेरा आगे चलेगा, तो टी मैं यहीं पर रखूंगा, ठीक है, डन। तो मैं इस वाले केस को भी यहां से क्या करता हूं, मैंने यहां से इसको रेज कर दिया, डन। अब जो भी मेरे दो केस बनेंगे वो मैं यहां से लेकर चलूंगा, ठीक है, अगर बनते हैं तो, ठीक। सो ये मेरी यहां पर कितने हिंट्स मेरे क्लियर हो गए यहां पर, अभी आप देखो मेरे यहां पर कितने हिंट्स क्लियर हो गए यहां पर, आप देखिए, एक सेकेंड, ये वाला हिंट क्लियर हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है, यू और डब्ल्यू वाला हो गया, और सेल्स और टी वाला हो गया, सब कुछ आगे लॉजिस्टिक सेल्स अगल बगल में, सेल्स के दो लेफ्ट के बाद टी आएगा, इसके राइट में एक्स आएगा, और यू और डब्ल्यू, या तो यू यहां पर होगा, डब्ल्यू यहां पर होगा, फिर यू यहां पर, डब्ल्यू यहां पर। अब मैं इसका अगर एक और केस बना दूं, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं जरा, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, ये लॉजिस्टिक है, ये सेल्स है, टी यहां पर है, एक केस में यू, एक केस में डब्ल्यू को यहां ले लेते हैं और यू को यहां ले लेते हैं, डन। तो यहां पर यू यहां पर आ गया, डब्ल्यू यहां पर आ गया, ठीक है जी। अब इससे अलावा तो केस नहीं बन सकते, चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो गई। चलो अब यहां से अगर हम आगे चलें, वी के आसपास ना तो लॉजिस्टिक है ना सेल्स है, वी के आसपास, सो वी आपका यहां पर नहीं आ सकता, वी आपका यहां पर नहीं आ सकता, सो वी कहां पर आएगा, एक ही जगह बची, वी यहां पे आएगा। ऐसी सेम केस में वी यहां पर नहीं है, ठीक है, सो वी आपका यहीं पर आएगा, ठीक है जी। सो वी के पोजिशन आपकी फिक्स हो गई, डन, ठीक है जी। वी इसके आसपास नहीं आएगा, सो ये वाला पार्टी मेरा हो गया कि वी है ना, ये वाला आपके हो गया। अब वी में और प्रोडक्शन में एक का गैप है, वी और प्रोडक्शन में एक का गैप है, ठीक है। चलो एचआर जो है वो टीम में नहीं है, एचआर जो है वो टीम में नहीं है, तो यहां पर जो है आपका एचआर नहीं आ सकता, ठीक है, यहां पर आपका एचआर नहीं आ सकता, यहां पर आपका एचआर नहीं आ सकता। और यहां अगर एचआर नहीं आ सकता तो वाई और एचआर जो है वो अगल बगल में है, ठीक है। अगर आप यहां पर देखो उस केस में कि वाई और एचआर जो है आपके वो अगल बगल में है, ठीक है। सो अगर आप देखो, ठीक है, सो कहां पर बचती है इसकी जगह, एक वाई को अगर मैं यहां पर रखता हूं, देखो अगर मैंने वाई को यहां पर रखूंगा, ठीक है, तो मेरा एचआर यहां आ सकता है, ठीक है, इस वाले केस को अगर मुझे फुलफिल करना है तो, ठीक है, ऐसे ही वाई को यहां पर रखूंगा, ठीक है, तो एचआर मेरे यहां पर आ सकता है। ये दो केस मेरे बन गए भी, ठीक है, वाई मेरा आ गया और मेरा एचआर यहां पर जो है वो बन गया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है।
अब मैं बात करता हूं ऑपरेशंस के सेकंड थर्ड लेफ्ट है, सेकंड लेफ्ट है जेड के बारे में, थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। अब आप अगर यहां पर देखो, ठीक है, थर्ड टू द लेफ्ट, वन टू थ्री, या फिर अगर मैं, ठीक है, यहां पर एचआर आ गया, यहां पे रखूंगा तो वन टू थ्री पर वाई है, ठीक, जेड की जगह जो बचती है, अगर मैं जेड को यहां पे रखता हूं इस वाले केस में, तो ऑपरेशन मेरा यहां पे आ जाएगा, है ना। अगर जेड को यहां पर रखा तो थर्ड लेफ्ट में ऑपरेशन मेरा यहां पर आ जाएगा, है ना। अब इसके बाद आप देखिए वी के सेकेंड राइट में मार्केटिंग है, ठीक है, वी के सेकेंड राइट में, सो वी अगर यहां पर है, सो मार्केटिंग यहां ना चाहिए, वी यहां पर है तो मार्केटिंग आना चाहिए। इस वाले केस में अगर मैं रखता हूं इसको, ठीक है, अब इस वाले केस में देखो कहीं पर नहीं बन रहा, इस वाले केस में अगर मैं देखता हूं ऑपरेशन को, अगर मैं यहां पे रखता हूं तो एक्स आ रहा है, जेड नहीं आ रहा, ठीक है। अब आप देखो यहां पर वो चीज आपकी सेट नहीं बैठ रही है, ठीक, फाइन। अब आपका क्या बचता है यहां पर, अब आप देखो कि ये जो है आपका, ठीक है, आपके यहां पर क्या बचता है, U बचा, W बचा, सेल्स के दो लेफ्ट में T आ गया, मेरा क्या Y और HR बराबर में आ गए, ठीक है। हाँ, एक चीज और थी, Y के अगल बगल में HR है, ठीक है, सो ये वाली भी मेरी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। ऑपरेशन के सेकंड लेफ्ट में Z है, ये भी मेरा सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। सो अब मेरा बचता है V, W और U, V के सेकंड राइट में मार्केटिंग है, V के सेकंड राइट में मार्केटिंग है, सो मार्केटिंग भी यहां पर मेरी आ गई है। सो मार्केटिंग के लिए क्या बचा, सिर्फ S बचता है, सो S मैंने लिख लिया, S T U V W X Y, और HR में आ जाएगा आपका, है ना। और अगर मैं इसमें करता हूं S T U V W और X Y और Z, ये भी मेरे मेरे दो केस यहां पर चल रहे हैं, और मेरा क्या क्या नहीं आ सकता यहां पर भाई, ठीक है। यू और प्रोडक्शन में एक का गैप है, यू और प्रोडक्शन में एक का गैप है, ठीक है। सो यू में और प्रोडक्शन में एक का गैप है, यहां पर सेल्स है, यहां पे एचआर है, सो यू और प्रोडक्शन, सो वी में आपका आना चाहिए प्रोडक्शन, वी में आया आपका प्रोडक्शन, ठीक है जी, समझिए इसको चीज को। अब मुझे यहां पर क्या मिलता है, अब मेरा बचता है, ठीक है, अब मेरा बचेगा यहां से फाइनेंस, ठीक है, मेरे बच गए, मेरा फाइनेंस बचता है, एचआर हो गया, मेरा एचआर हो गया, सेल्स हो गया, लॉजिस्टिक मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, फाइन। इसके अलावा मुझे और क्या हिंट्स मिले यहां पर, वाई एचआर, एचआर में टी नहीं आएगा, वी में लॉजिस्टिक सेल्स नहीं है, वी में मार्केटिंग है, और देखिए हाँ फाइनेंस में जो है, फाइनेंस में और एडमिन में एक का गैप है लेफ्ट साइड में, फाइनेंस में और एडमिन में एक का डिफरेंस है लेफ्ट साइड में। सो अगर मैं यहां पर ये करता हूं, फाइनेंस अगर मैं यहां रखता हूं, ठीक है, फाइनेंस को मैंने अगर यहां पर रखा और इसके लेफ्ट में एडमिन मेरा यहां हो जाएगा अगर, ठीक है, एडमिन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस हो गया, ठीक, और आप देखिए यहां पर आई थिंक ये सारा जो है वो सेट हो चुका है यहां पर, एडमिन है, एचआर है, सेल्स है, लॉजिस्टिक है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, प्रोडक्शन है, और जो मेरा रिमेनिंग पार्ट है वो आपका यहां पर बच जाएगा, जो भी आपका रिमेनिंग पार्ट है, क्या बचा आपका, सेल्स, प्रोडक्शन, एचआर, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, क्या छूट रहा है यहां पर भाई, क्या छूट रहा है यहां पर, एडमिन भी आ गया और प्रोडक्शन हो गया, एडमिन हो गया, ऑपरेशन हो गया, ठीक है, ऑपरेशन। सो ये वाला केस जो है आपका, ये आपका फाइनली जो है आपका ये भैया बन जाएगा, इस केस को आप देखो, है ना, ये केस बनेगा। सो इस तरह से आपको यहां पर क्वेश्चन जो है करने हैं। यहां पर थोड़ी सी मैंने जगह की, थोड़ी सी जगह का इशू था, तो मैंने आपको चीजों को थोड़ा सा कंसाइज फॉर्म में, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म बताया है, पर जब पेपर पे क्वेश्चन करते हो तो वहां पर आपको चीज थोड़ी सी और आराम से आपकी हो जाएंगी, ठीक है। सो ऐसे करके आपको हिंट्स बनाने हैं, इस तरह से आपको क्वेश्चन आपको करने हैं। रही बात आपकी क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन है आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ,
यहाँ पर आपको पांच ऑप्शन दिए गए हैं, इन पांच ऑप्शन को आप कीजिएगा और इनको आप कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए तो फिर यही था इस वीडियो में, आई होप आपको चीज थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी, चीज आपको थोड़ी समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे, फिर उसके बाद हम पजल करेंगे, ऐसे ही हम यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस को जारी करेंगे। और 2 दिन के लिए फ्लैट 50% ऑफ है सभी कोर्सेज पर, और आप चाहे तो मॉक टेस्ट भी यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए ले सकते हैं, तो उसके लिंक भी नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, हैप्पी दिवाली सभी लोगों को, थैंक यू।